मुंबई के एमआरडीसी पुलिस स्टेशन की हद में 3 मासूम नाबालिग बच्चों से एक महिला ने गाली गलौज की और उन्हें मारने की धमकी भी दी। जब बच्चों के परिजन इस बात की जानकारी एमआरडीसी पुलिस स्टेशन में देने गए तो पुलिस ने उल्टा बच्चों के परिजनों पर ही मामला दर्ज कर दिया। इन सब से परेशान होकर बच्चे और उनके परिजन न्याय मांगने के लिए मंत्रालय पहुंच गए हैं। आपको बता दें, फिरोज और उनके परिवार के बीच कई दिनों से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि इन सब मामले में इन मासूम बच्चों का क्या कसूर है जो यह महिला इन बच्चों के माँ और बच्चों को गाली दे रही है, और इतना सब होने के बाद पुलिस भी खामोश है। समय नेशनल, मुंबई। मैं मेरे डैड के ऑफिस में थी, तो वो मेरे डैड की और उनके भाई और उनकी मामा वो ऑफिस में, जब हम लोग अंदर घुसे वो देना चालू कर, मेरे डैडी ऑफिस से गए तो फिर लोग मेरे पेरेंट्स को अब्यूज करने लग गए, तो फिर मैंने बोला कि आप लोग ऐसे बोल रहे, तो वो लोग और मेरे को गाली देने लग गए, मेरे कजिन्स को मारा, उन लोग को गाली दिया। डैड पुलिस स्टेशन में गए, तो वो देवकर को पैसा दिया, उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। हमारा मारा गया था, बहुत चाचू ने हम लोग को मारा था, हम लोग वहाँ ही थे, हम लोग को मारा, लाफा सब मारे थे, गाली दे रहे थे, मम्मी लोग को भी मारा। मेरा नाम फिरोज हवलदार है। मेरे ऑफिस में मेरे छोटा भाई जबरदस्ती घुसता है विद सपोर्ट ऑफ पुलिस, एमआईडीसी पुलिस, और मेरे ऑफिस में जबरदस्ती घुसता है, बाद में मेरे एब्सेंस में मेरे बच्चे की गंदी गंदी गालियाँ दी है। उसके लिए जब मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ, उल्टा मुझ पर झूठा आरोप लगा के मुझे जा रहा है। एमआईडीसी में अगर हम जाते हैं तो गाली दे के भगाया जाए, अब वहाँ से तो कोई उम्मीद नहीं है। हम मंत्रालय में आए तो यहाँ से कुछ उम्मीद मिल जाए हमें, इंसाफ हो, क्योंकि अभी भी वी होप फॉर द जस्टिस।